हमको द्रव रूप में चाहिए ज्ञान, है? इसलिए ज्ञान को धरण और प्रयोग बोलते हैं, धरण और प्रयोग बोलते हैं। इसलिए यदि आप किताब पढ़ते हैं, पढ़ने के समय में वो द्रव, स्मृति का रूप में वो दृढ़, फिर परीक्षा लिखने के समय वो द्रव होना चाहिए। यदि परीक्षा लिखने के समय में, परीक्षा सभा में वो तो दृढ़ है, और अंदर रखने के समय द्रव है, इससे कुछ भी काम नहीं होगा, उल्टा ही होगा ना। ऐसा हम बोलते हैं कुछ द्रव होना चाहिए, वो तो द्रवीभूत, और कुछ तो हवा जैसा होना चाहिए जिससे बहुत काम होगा, उसको वातोद्भव बोलते हैं। इसलिए हमारे शरीर में नया नया शक्तियों का व्युत्पादन के लिए श्राव शक्ति है, और जो दृढ़ है, जो बद्धित है, उसको सरल करने के लिए तो द्रवीभूत शक्ति है, और जो बहुत कुछ दृढ़ीभूत नहीं तो द्रवीभूत है, जिसको काम करने के लिए हवा जैसा करना चाहिए, उसको वातोद्भव बोलते हैं। इसलिए हमारे शरीर के अंतर्गत शक्ति को यथा प्रयोग, उसका परिवर्तन के लिए, परिणाम के लिए ये योगासन से ये वो काम हो रहा है। और तीन प्रकार है, वो तीसरा विषय लिखेंगे। ऐसा षट विकार मैंने बोला, षट विषय संग्रह। तीसरा विषय है प्रकरण, विकरण, उपकरण। ये काम करने के समय में जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति को उपकरण बोलते हैं। और पूजा और हमारा अभ्यास का समय में जो शक्ति चाहिए वो तो प्रकरण, जहां हम प्रयोग करते हैं वहां वो शक्ति का नाम तो उपकरण, जहां हम अभ्यास करते हैं वहां का शक्ति का नाम प्रकरण। और परिपूर्ण हमारे शरीर में जो शक्ति अत्यावश्यक है निरंतर, वो शक्ति के बोलते हैं विकरण। हमारा शक्ति, वो शक्ति हमारा स्वतः स्वभाव निरुपाधिक होना चाहिए, इसलिए हमारी स्वतः सिद्ध स्वाभाविक शक्ति को हम विकरण बोलते हैं। अभ्यास का समय में वो प्रकरण होगा, और प्रयोग का समय में वो उपकरण होगा। और शरीर में तीन स्थान है, वो भी लिखिए। इसको बोलते हैं संधि, ग्रंथि, नाभि। क्या बोलते हैं? संधि, ग्रंथि, नाभि। जहाँ एक दो नाड़ी, एक दो चक्र, एक दो शक्ति जहाँ मिलन होता है उसको संधि बोलते हैं। जहाँ दो नाड़ी नहीं तो दो तीन नाड़ी मिलके एक तीसरी शक्ति का नहीं तो एक चतुर्थ शक्ति का उत्पादन करता है उसको हम ग्रंथि बोलते हैं। जहाँ असंख्यात अगण्य शक्तियों का आधार एक ही स्थान में हो रहा है वहां को नाभि बोलते हैं। 10-15 सबका मेलन, आजकल तो हब बोलते हैं ना, इसलिए वो तो वो मेलन को क्या बोलते हैं? नाभि। इसलिए दोनों का मिलन को संधि, दोनों मिलके तीसरी गति में जाने के लिए ग्रंथि, बहुत कुछ विषयों का संकलन के लिए नाभि। ये सब हमारा शरीर के अंतर्गत। आज तक हम प्रमाण करके बोलेंगे संधि ग्रंथि की नाभि के बारे में ये षटचक्रवादियों को जानकारी नहीं आज तक, और आर्जव से दिल से ही बोलना चाहिए। इसलिए ये सब इसका लक्षण है। और एक रहस्य भी है, इसको अनन्वय, अन्वय, सान्वय बोलते हैं, तीव्र, मध्यम, अंत्य बोलते हैं। ये सब बहुत, इसलिए मैंने बोला 1000 भाषण में ये आसन के बारे में हम दे सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उतना जानते हैं, इसका अर्थ यह कि उतना है वो विद्या में। आप पांव नीचे रखे बैठ सकते हैं, नहीं आप तो अभी कष्टासन में बैठ रहे हैं। नहीं नहीं, जितना आसन है योग शास्त्र में बता दिया है, उससे अलावा दो आसन है, एक तो हमारा इष्टासन और इनका कष्टासन। इष्टासन, मेरा इष्टासन, ये दोनों तो किताब में आप जितने भी देखिए वो नहीं मिलेगा। अनन्वय, अन्वय, सान्वय, ये एक समाचार हम बताते हैं। पहले ये समानासन के बारे में बताते हैं। हम ऐसा बैठ रहे हैं ना, ऐसा बैठने के समय में आप बोलना चाहिए कहाँ कहाँ संधि होती है, कहाँ कहाँ संधि होती है। यहाँ आप बैठते हैं ना, जान के बताइए कहाँ कहाँ है। वेर यू गेट द टेंशन, वेर यू गेट द फ्रिक्शन, वेर यू गेट द प्रेशर, कहाँ स्पर्श होता है, कहाँ संसर्ग होता है, कहाँ स्नेह होता है। गुड़ियापाशी, कमरे पाशी, गुड़ियापाशी, कमरे पाशी आणि टाचे पाशी। यहाँ तो पहला संसर्ग यहाँ होता है, फिर स्पर्श यहाँ होता है, ये दोनों को हम अन्वय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्वय बोलते हैं, जिसको हम देख सकते हैं उसको अन्वय बोलते हैं। ये समानासन में बैठने से यहाँ कुछ विकार होता है, संसर्ग नहीं है,
लेकिन यहां देख लीजिए तो होता है, इसलिए इसको हम अन्वय बोलते हैं। फिर सान्वय, ऐसा बैठ के शास्त्र में हमारे शरीर रचना में ऐसा है कि यदि एक आदमी यहां कुछ दीर्घ करके यहां कुछ स्थिरता से यहां ऐसे रख के इसके ऊपर संसर्ग दीर्घ रूप में ऐसा करेगा, इसमें मास प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास प्लेसमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। हाँ, मास मैंने गुरुत्व, संस्कृत में इसको गुरुत्व बोलते हैं। गुरुत्व आरोपण मैंने मास प्लेसमेंट, पुटिंग अ वेट ऑन दैट, मेकिंग अ प्रेशर ऑन दैट, सब कुछ आसन में है, अभी इसको दिखा रहे हैं। यहां बैठने से प्रथम स्थान तो ये है, ये स्थान का विकार होता है, आंतरिक विकार, इसका बाह्य विकार तो कुछ भी नहीं है, आंतरिक विकार होता है। फिर यहां तो स्पर्श होता है, फिर आपका गुरुत्व का आरोपण के बाद संसर्ग होता है, समझ रही है? ये संसर्ग होने के समय तक वो तो अन्वय, यहां ऐसा होने के बाद ये सब होने से ऐसा एक नियम है कि यहां एक आंतरिक विकार और स्पर्श और गुरुत्व आदान के बाद मेरुदंड का नीचे में, नीचे स्थान में, यहां मेरुदंड के नीचे स्थान में मेधामणि नाम में एक चिन्ह है, एक शंख है। वो शंख का द्वार ऐसा हम सामान्यतया बैठने के समय में, आते जाते सोने के समय में, ये समय में वो नहीं खोलता है, इसको मेधामणि बोलते हैं। और योगशास्त्र में कुछ लोगों को परिचय होगा, इसको मनोमणि बोलते हैं, इसको मेधामणि बोलते हैं, इसलिए बहुत कुछ स्थान है। मेधामणि ऐसा एक शंख है, शंख मैंने शंख सदृश एक तत्व है, तो तत्व का उद्घाटन होगा, वो उद्घाटन होने के बाद उसके अंतर्गत स्वतः सिद्ध श्रावण है, एक शक्ति है, वो शक्ति को क्या बोलते हैं? धरणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धरणी बोलते हैं। वो शक्ति जो दृढ़ है, ऐसा कुछ ये गुरुत्व का आरोपण करने से वातोद्भव, मैंने बोला ना, वो वात का रूप में यहाँ सीधा जाके यहाँ चल जाएगा। फिर ये सब क्या बोलते हैं? सान्वय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सान्वय। ये सब अन्वय करने से इसका अन्वय भी होगा, लेकिन सीधा इसका अन्वय तो नहीं होगा, इसको कोई भी नहीं खोल सकते, इसको कोई भी नहीं खोल सकते, ये मेरुदंड का जो मेधामणि है उसको नहीं खोल सकते, और धरणी का वातोद्भव कोई भी नहीं कर सकते, इसलिए उसको सान्वय बोलते हैं। सान्वय मैंने अन्वय से संबंधित अन्वय, ये अन्वय से वो आता है, इसलिए वो सान्वय। ये होने के बाद यहाँ एक है, इसको मुकुल पद्म बोलते हैं, मुकुल पद्म का विकास होगा, इसको अनन्वय बोलते हैं। अनन्वय मैंने जो बहुत दूर है, बहुत सूक्ष्म है, ये करने से और ये गति है, इसको धी गति बोलते हैं, आज्ञा चक्र के अंतर्गत है वो, आज्ञा चक्र से मुकुल पद्म तक ये गति है, जिसको हम धी गति बोल सकते हैं। धी गति मैंने जो गति में हम बहुत विषयों की जानकारी ले सकते हैं, बहुत विषयों की स्मृति कर सकते हैं, बहुत विषय में नूतन नूतन आविष्करण कर सकते हैं, इसलिए वो सब तो क्या बोलते हैं, जानकारी होने के लिए प्रज्ञा है, जानकारी को रखने के लिए स्मृति है, स्मृति से नया नया विषय निकालने के लिए प्रतिभा, ऐसा हमारे शास्त्र में बताते हैं बड़े लोग। वो सब जहाँ पर आता है वो रास्ता को हम बोलते हैं धी गति, इसलिए हमारे शास्त्र में नीचे समान आसन में बैठ के पढ़ाई करने का वो अभ्यास पहले किए थे। विदेश में वो लोग ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, मौसम से और वातावरण से उनका अभ्यास वो नहीं कर सकते, इसलिए वो तो ऊपर बैठ के लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमारे घर में ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा पढ़ाई में ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए हम एक